फोटो को शेयर कर देंगे लाइटरूम पे, रूम पे, ये रहा हमारा लाइटरूम, लाइटरूम पे शेयर कर लेंगे। ये इंपोर्ट हो रहा है, स्टार्टिंग इंपोर्ट दिखा रहा है, तो ऐड हो गया हमारा फ़ोटो। तो लाइटरूम एप्लीकेशन में स्विच करते हैं, लाइटरूम एप्लीकेशन पे स्विच कर देते हैं। और अब स्विच कर लेने के बाद फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, फ़ोटो को कुछ इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद देख सकते हैं ये फ़ोटो है हमारा, कुछ मॉडल इस तरह से है। उसके बाद ऑटो पे क्लिक कर देंगे, क्लिक कर लेने के बाद उसके बाद इस वाले लाइट वाले ऑप्शन पे जाना है और कॉन्शियस को हल्का कम कर देना है। उसके बाद वाइट्स को भी हल्का कम कर देना है, मतलब पूरा कम कर देना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद मिक्स पे जाना है, फिर ऑरेंज का लुमिनस बढ़ा देना है, इसका भी लुमिनस बढ़ा देना है, उसका भी येलो पे जाना है और सैचुरेशन को पूरा घटा देना है। घटा लेने के बाद ग्रीन का भी सैचुरेशन घटा देना है। उसके बाद फिर इस वाले ऑप्शन पे जाके इसको भी घटा देना है। घटा लेने के बाद ऑरेंज वाले ऑप्शन पे आना, सैचुरेशन को कुछ कम कर देना है इस तरह से। उसका दूसरा का भी सैचुरेशन कुछ इस तरह से कम कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं फोटो ऐसा उसका है। उसके बाद डन पे क्लिक करना है, डन पे क्लिक कर लेने के बाद फिर इस वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर वाइट्स फॉल का कम कर देना है इस तरह से, कुछ इस तरह से कुछ रख देना है। उसके बाद शैडोज को कुछ देख सकते हैं, ये फोटो हो चुका है हमारा ऐसे। उसके बाद लाइट पे जाना है और शैडोज को कुछ देख सकते हैं इस तरह से इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज कर लेने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, ये वाले ऑप्शन पे, और शार्पनिंग को कुछ बढ़ा देना है ऐसे। डिटेल वाले ऑप्शन पे जाके शार्पनिंग को बढ़ा देना है। उसके बाद फिर इस वाले ऑप्शन पे आना है और इसमें टेक्सचर को कुछ हल्का बढ़ा देना है। बढ़ा लेने के बाद उसके बाद सेव कर लेना है, सेव टू डिवाइस, और ये हमारा फोटो सेव हो रहा है। सेव कर लेने के बाद आपको ऑटो टेक्स करना है, ऑटो टेक्स में फिर इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट किस करते बताता हूँ, इस पर जाना है गैलरी पे और डिस्कार्ड चेंजेस करना है, डिस्कार्ड हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप ये वाले ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम इमेज कर सकते हैं और फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा फोटो है, देख सकते हैं हमारा फोटो है जिस तरह से। उसके बाद ब्रश पे क्लिक करेंगे और ये नीचे वाला ब्रश ले लेंगे, स्मूथ ब्राउन ब्रिस्टल ब्रश। उसके बाद कुछ रिडूम करेंगे और चला देंगे कुछ इसके ऊपर, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिटचिंग आया है, आ रहा है रिटचिंग। कुछ कर दीजिएगा यहाँ ना ब्लैक स्पॉट्स है, अच्छे से कीजिएगा ताकि फोटो अच्छे से एडिट हो। और ऐसे ही चलाना है, देख सकते हैं, देख रहे हैं बहुत अच्छा ही अच्छे से एडिटिंग हो रहा है हमारा। फिर कुछ इस तरह से एडिटिंग कर लेते हैं, कुछ नोज पे भी कुछ इस तरह से लगा देते हैं। उसके बाद फिर फोरहेड पे भी कुछ डार्क स्पॉट थे उसको भी हटा देते हैं, कुछ इस तरह से कर लेते हैं। देख सकते हैं फोटो बहुत ही शानदार लगेगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और रिटचिंग का मैं वीडियोस लाते रहता हूँ, मेरे प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एडिटिंग का वीडियोस है। तो लगभग हमारा एडिटिंग हो गया।